स्वामी जी पूछते हैं, मार्शल आर्टिस्ट और साधारण आदमी में क्या अंतर होता है। मार्शल आर्टिस्ट अपने शरीर की सारी शक्ति केवल मुट्ठी पर केंद्रित करना जानता है, इसलिए उसके मुक्के में इतनी ताकत होती है, यानी सारी शक्ति कंसंट्रेशन का ही स्वरूप है। उसी तरह जितना मन एक लक्ष्य पर ध्यान देगा, मन उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। इसलिए जो भी करो उसे संपूर्ण ध्यान और समर्पण से करो। इस तरह से मन न केवल शक्तिशाली होता है बल्कि विषय वासनाओं से भी मुक्त होता है। फिर जब मन दूसरे विषयों से मुक्त होकर खुद को जानने के लिए अंदर मुड़ जाता है, तब मन अपने सोर्स से जुड़ जाता है, जहाँ से ज्ञान, धैर्य, पौरुष सब कुछ प्रकट होता है। फिर ऐसे इंसान के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं रह जाता। इसलिए स्वामी जी पूछते हैं,